हम जा रहे हैं। ये कौन है? कौन सा है? एक वनीला एक छप्पन भोग। गुलशन देखो। नमस्ते इंडिया। हाँ। नमस्ते इंडिया। अमूल दूध पीता है इंडिया? 80 रुपए दे दो। बटरस्कॉच कौन कौन खाएगा? पहले टेस्ट करूंगी। हाँ तो सब टेस्ट करके फिर बताऊंगी। वाह। अच्छा घर वालों के लिए भी ले लो। पूरी वाला है। फैमिली पैक वाला घर वालों के लिए भी ले लो। घर वाले पर खराब निकली, घर वाले भी इतने डांटे। खराब नहीं निकलेगी। एकदम कोमा ही। इसको इसको तो उतार दो। ये चॉकलेट वाली ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ भी बटर स्कॉच वाली ज्यादा अच्छी है। नहीं सही में ज्यादा अच्छी है बटर स्कॉच। बारिश हो रही थी। अरे ये पेड़ आम का है। इसी को दिखा रहा हूँ। ये जूम करके देखो। ओ ये रहा। हम लोग आइसक्रीम खाने आए हैं। ये इस गांव के प्रधान जी और सखी यहाँ बैठ के बियर पीते हैं। यहाँ पे पंचायत हो रही है गाइस। और क्या, हम लोग बढ़िया हैं। हम दोनों भी सही है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? चश्मा तो डोरी में होने वाला चश्मा लग रहा है। ये देखो ये देखो ये जब से चली हूँ मंजिल पे नजर है। तो आइसक्रीम तुम लोगों ने खा ली है। अब वापस उसी दुकान पर आ गए हैं। फैमिली के लिए पैक करा रहे हैं। क्या ले मम्मी के लिए? बटर स्कॉच या फिर चॉकलेट? देखा गुलशन पहचान गई कि बटर स्कॉच ही अच्छी है। वही अच्छी लग रही थी। नहीं वही कैमरे वगैरह मानो ना चाहे ना मानो, लेकिन सच में बटर स्कॉच ही अच्छी थी। बता रही हूँ। चार्ट हो गया प्रिपेयर। टिकट नहीं हुई कंफर्म। हाँ जी सेवन आर ए सी हुई। टिकट्स तो कंफर्म हुई नहीं, बट शुएब ने फिर लखनऊ से टिकट कंफर्म वाले जो है वो बुक कर ली। सो आज ही हम लोगों को निकलना था बरेली के लिए। और आज ही मम्मी ने बोला कि गुजिया बना लेते हैं, तो आप लोग लेके भी चले जाना। तो यहाँ पर गुजिया की सारी प्रिपरेशन होने लगी। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने अपने ससुराल में गुजिया बनाई थी। देखने में तो इतनी टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी। पूरा खोए का ना वो बनाया था फिलिंग मम्मी ने, और बाद में हम लोगों ने सब ने मिलकर गुलशन मैंने और मम्मी ने तीनों ने मिलकर इसको पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया बनाया। और इसकी ना ये तो मैंने आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये मैंने रील के लिए शूट किया था। सो रील भी आई थिंक इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, तो वो आप लोग देख लेना। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो गुजिया बनने के बाद ही जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप थी तेज़, तो आज ही ये आम है, आम को सुखाकर खटाई बनाई जाती है। तो आम को सुखाकर बुआ ने इसको अच्छे से छील के सुखा दिया था धूप में, और आज खटाई में सारे मसाले मिला वगैरह मिला विला के सब कुछ रखना था। तो ये वाला काम ना जो अचार और खटाई का होता है वो बुआ ही करती हैं ज़्यादातर, उनको अच्छा अंदाज़ा है और उनके हाथ से ना अच्छा बनता भी है। तो यहाँ पर चार मसाले लिए थे, और ये जो आप ब्राउन कलर का मसाला देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है, मंगरेल सौंफ और पता नहीं क्या क्या, वो सब रेडी किया था। और मिर्ची पाउडर और हल्दी है ये। सो इन सबको एक बोल में रखा, उसके बाद में सारे मसाले मिला दिए। और ये है गार्लिक, इसको अच्छे से कूट करके ये भी डलता है इसमें। तो ये सारी प्रिपरेशन मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मेरी खाला के यहाँ से बन करके आती थी। हम लोग दिल्ली में रहते थे जैसे कि, तो मेरी खाला सारी चीज़ें बना करके भेजती थी और हमें क्या था मुझे पता ही नहीं था। और स्कूल वगैरह जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो घर में भी जैसे कि कभी मम्मी बनाती थी तो वो खुद ही बना लेती थी, हमें पता भी नहीं चलता था। और अब जैसे कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे देखने के लिए और समझने के लिए मिल रही हैं।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक मेरी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस भी ला रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए और सीखने के लिए मिल रही हैं ससुराल में। तो इस तरह से ये खटाई की भी प्रिपरेशन हो गई। बुआ आप कितने साल से बना रही हो अचार और खटाई? हाँ दादी आप 1957 तुम लोग कितना हंस रहे हो, कितना हंस रहे हो। 1983 का वो गर्मी का सीजन था, 1983 का सीजन था, गर्मी का भीषण गर्मी पड़ी थी और दादी ने पहली बार बैठक लिया था। बुआ की दादी ने और बुआ को अपना पुरानी रेसिपी पुस्तैनी रेसिपी देख गई थी, कान में बोलती गई, कान में बोलती थी अब वो रुखसार वाणी को मिलेगी रेसिपी। हाँ मुझे भी रेसिपी बता देना आज, ठीक है? कान में जब बैठ के लेंगे तब बताएंगे। बैठ के क्या होता है? रिटायरमेंट। अच्छा तो पहले तो अम्मी बनाना शुरू करेंगे ना, फिर मैं बनाऊंगी। हाँ कुछ भी आप नहीं बनाए हम ही बनाए। हाँ तो गुलशन बनाइए, गुलशन बनाइए, गुलशन नमक और चीनी में सही से फर्क नहीं पता। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सीखना पड़ेगा, वो कान में बता के जाएंगी ना। बहुत अच्छे से मिल गया है। बरनी में होती तो और अच्छा लगता ना। इस रखा तो है सब बर्तन लेकिन सब छोटा पड़ेगा, छोटा हो गया यहाँ, बन जाएगा तब रखा जाएगा। थोड़ा सा सही हो जाए, थोड़ा कम हो जाएगा ना जब गलने के बाद, बर्नी में रखेंगे तो ये इस तरीके से अभी तैयार हो गया। अब इसको धूप में रखा जाएगा लगातार एक हफ्ते तक। क्या बोलते हैं, देसी आम आया ये, बिल्कुल भी दब नहीं रहा, एकदम टाइट है ये मीठा होगा उलझन मेरे लिए अलग से मीठा। हाँ तुम्हारे लिए अलग से आया ही है और क्या। तो घर से हम लोग बहुत ही जल्दी फटाफट से निकले और आज हमें वापस जाना है बरेली। तो आज हम लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं, अभी हम लोग लखनऊ स्टेशन पर हैं। यहाँ से हमें इंटरचेंज करना था, हमारी ट्रेन आ चुकी है लेकिन उसका गेट नहीं खुल रहा है, तो ऑलरेडी 5 मिनट्स लेट हो चुकी है। मुझे लग रहा है ये वाली जो ट्रेन ना लेट कराएगी हमें, बहुत ज़्यादा लेट कराएगी। लोग खड़े हैं। हाँ ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रेन की जो रेलवेज की जो है ना थोड़ी सी हालत सुधरनी चाहिए हमारे देश में। देश का अलग, लाइट तक नहीं जल रही है, कुछ भी नहीं। खिड़की से एक आदमी गया था तो सही में खिड़की से घुसा है बाहर। ये देखिए कैसे भैया एकदम तत्पर हैं लोग जाने के लिए अंदर। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे बरेली में, क्योंकि मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। ये कब ठीक होगा? बेहद ही हसीन मौसम हो रखा है बरेली का। तो हम लोग रात में यहाँ पर पहुँच गए थे और अभी हो रही है सुबह। सुबह का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब इतनी अच्छी हवाएं आ रही हैं, मैंने खिड़की वगैरह खोल दी थी। ये देखें पहले तो बहुत तेज से आंधी आई, मतलब जैसे पहले तो बहुत तेज से हवा आई, उसके बाद में बारिश, बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। तो बारिश की बूंदों में ना एक सुकून सा होता है और बहुत दूर से आती हैं भाई, इनसे मिल लीजिए। एंड इसी हैप्पी नोट पे मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। बच्चे कितना खुश हो रहे हैं वहाँ पर, इतनी गर्मी के बाद फर्स्ट रेन ऑफ बरेली। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।